रचीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल जाए। और अगर आप कोई अमल करना चाहते हैं या कोई आप वजीफा करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर आपने देखा है, तो हमसे एक दफ़ा ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा ताकि हम भी आपकी मदद कर सकें, जो आपके हक में बेहतर हो वो आपको बता सकें। अक्सर दफ़ा वजीफे और वज़ाइफ इसीलिए कामयाब नहीं होते, एक तो आप जो है पूछते नहीं हैं और आप थोड़ी सी मेहनत करने से भी गुरेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप जो है हमसे ज़रूर बात किया करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज जो वजीफ़ा है वो इतना आला है कि यूट्यूब के ऊपर कभी आपको किसी ने नहीं बताया। जो तरीका आज मैं आपको समझाऊं तो ब्राय मेहरबानी वो ही इख्तियार कीजिएगा। अपने प्यारों को हासिल करने का, अपने प्यारों को पाने का, अपनी जायज़ मोहब्बत को हासिल करने, अपने रूठ जाने, मियां बीवी के लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। अगर किसी ने शादी के लिए ये वजीफ़ा करना है तो वो भी कर सकता है। जो तरीका मैं समझाऊंगी आपने जो है वो ही करना है। ये अमले ख़ास हैं, खूब के सात ख़ास तलिस्मात जो हैं वो आज मैं आपको बताने लगी हूँ, आप ये ज़रूर कीजिएगा। अमल में आप जो है सात फीते, जो अमल है सात फीतों पे मुश्तमिल है। नंबर वार फीता जैसे स्क्रीन पे चल रहा है उसी का इस्तेमाल करें, ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जिस तरह बताएं उस तरह करें। नंबर वार फीते से आपने जलाना है दिया, रात को देखना है आपने दिए में, ज़ाफ़रान से लिखें या फिर किसी आम पेन से भी लिख सकते हैं, हर तिलस्म के नीचे अपना नाम, अपने प्यारे का नाम, उसकी वालदा का, अपनी वालदा का, जो तरीका आज मैं समझाने लगी हूँ वो आपने लिखना है। जब आप फीता तैयार कर लेंगे जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये कुल सात फीते हैं, जिस तरह ये लिखे हैं सीधी साइड से आप लिखना शुरू करें, जिस तरह लिखे हैं आप बस एक दफ़ा इनको अच्छे तरीके से लिख लें। उसके बाद आपने करना क्या है, जब एक फीता आप तैयार कर लें तो उसके नीचे, मतलब कि जो फीते का जो तिलिस्म है उसके नीचे आपने अल हुब फला बिन, ठीक है, अल हुब फला बिन फला नाती, अल हुब फला बिन फला, एक दफा फिर सुने। जब आप एक फीता जो ऊपर लिखा हुआ है वो तैयार कर लें तो उसके साथ आपने लिखना है अल हुब बिन फला भी लिख सकते हैं या फलानाती भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक ही है, तो आप फला बिन फला लिखें ये भी बेहतर है, फला बिन फलानाती ये भी बेहतर है। अल हुब जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, फिर उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, हर फीते के साथ फीते तैयार करें। फीते को पहले रोज चिराग में चंबेली का तेल डालकर आपने जलाना है। चंबेली का तेल बाजार से आराम से मिल जाएगा, वो आप ले आइएगा। दूसरे नंबर का जो फीता है वो दूसरे दिन जलाना है, बस आपने फीता ही जलाना है। ये सात दिन का ऐसा तिलस्मी अमल है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ये अमल ठीक तरह से कर लें तो जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। दूसरे दिन तीसरे दिन एक एक फीता आपने बनाया होगा वो आपने जला लेना है, ठीक है, रात को जलाएं, इशा की नमाज पहले पढ़ें, दो नफल हाजत दो नफल तोबा के पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अमल में बात ना करें, बिल्कुल अमल को अमल की तरह करें। वक्त दिन पीर जुमेरा जुम्मा जो खूबसूरत दिन है और ठंडे दिन हैं तो ये आपने करना है। रमज़ान में भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, बुध वाले दिन भी आप कर सकते हैं, मैं इतने दिन आपको काउंट करवा रही हूँ, गौर से सुना करें, ठीक है। और इतवार वाला दिन देखें, पीर बुध जुमेरा जुमा इतवार, ये पांच दिन बहुत अच्छे होते हैं और ये इन दिनों में आप कर सकते हैं।
और इस काम का तसव्वुर जो आपके मन में है, चाहे वो आपका बहुत बड़ा काम हो, किसी ऑफिसर के पास जाना हो, कोई काम हो, किसी से पैसे लेने हो, किसी को मुसख्खर करना हो, किसी को तलब करना हो, किसी के घर रिश्ते नहीं आ रहे, ये रिश्तों के लिए किसी को मनाना चाहते हैं, उनका नाम लिख दें, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, 10 लोग हैं तो 10 लोगों का नाम लिखें अलाहुब के बाद, ये आपने करना है, ठीक है। और जब आप फीता जला रहे होंगे ना, तो 2 लफ्ज़ आप पढ़ेंगे फीता जलाते हुए, 2 लफ्ज़। फीता आपने क्या करना है, उनको कागजों को ना, जब साथ आप लिख लेंगे ना एक सफ़े के ऊपर, सादे सफ़े के ऊपर मार्कर से, तो फिर आपने एक एक काट लेना है कैंची के साथ, उनको लपेट के, जैसे जैसे रुई के हम छोटे छोटे फीते बना लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना कि ये जल नहीं रहा है या इस तरह का कोई मसला है, कागज़ जल नहीं रहा, तो आपने क्या करना है कि रुई के अंदर भी रख के उसको जला सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप किसी सुई के ऊपर लपेट के भी आप उस फीते को आराम से जला सकते हैं, पर फीता जलना चाहिए पूरा, ठीक है। और जो फीता है, जैसे आप सीधी साइड से लिख रहे हैं ना, उसको सीधी साइड से ही फोल्ड करें, नहीं तो खुला हुआ ऐसे ही छोटे छोटे बनाएं तो वो ऐसे ही उसको जला दें। अमल गलती ना कीजिएगा, अमल बड़ा है, समझने की बस आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मैं थोड़ा डीपली इसलिए आपको समझाऊंगी कि बहुत से मैसेज आए थे कि अभी हम अमल जो है कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्यों नहीं असर। देखिए, उस्ताद के बगैर कोई अमल कामयाब नहीं होता, ठीक है। जब तक जैसे वजीफे हैं, जैसे उस्ताद होता है, वो आपसे बेहतर जानता है ना, उसने अमल दिया है तो उसको पता होगा इसकी ऊंच नीच का, तो जरा सी भी गलती भी अमल खराब हो रहा होता है, तो ये बस इस चीज़ का ख्याल रखें। जब आप फीता जला रहे होंगे तो या लतीफ़ों का विर्द आपने करना है, आधा घंटे के अंदर अंदर जो है आपने विर्द भी करना है और फीता भी जलाना है, उसमें 2 नफल भी पढ़ने, आधे घंटे का ही टाइम जो आपने इसके मखसूस करना है, उससे टाइम से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कम ना हो। अब आपने क्या करना है, जो फीते की, जैसे आप फीता जलाएंगे ना, तो जाहिर है वो जला हुआ जो होगा ना, बस वो राख आपने इकट्ठी करनी है, 7 दिन 7 फीतों की राख आपने इकट्ठी करनी है। इस्तेमाल शुदा जब आप फीतों की राख को इकट्ठी कर लेंगे, इन सारी राख को आपने किसी कागज में लपेट के, उसको आपने नहर के किनारे, अगर दरिया है वहां पर, अगर नहीं ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप पानी का एक गिलास लें, पानी का एक बोल, पानी का एक डब्बा, उसको मतलब कि बंद होने वाला पानी का एक जार लें, उसके अंदर बस उनको, उस राख को ना पानी में छोड़ दें। जब तक वो राख उस पानी में डूबी रहेगी, जिसको मर्जी अपना जो है मुसख्खर करें और मुतय्यन करें, ठीक है, अल्लाह से दुआ करें, अमल करें, इंशाल्लाह आपका अमल कामयाब होगा। इस अमल से जो मतलब आपसे दूर हुआ, नाराज हुआ, मगरूर हुआ, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, कुछ भी उसने आपको असीयत दी, बचेगा नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा मोतबर वजीफा है, इस अमल से मतलू कितना भी दूर हो, समुंदर पार दूर हो, बाहर के मुल्क में हो, फौरन हाजिर होगा 7 दिन में। जब तालिब तलब करता है ये अमल करके, तो मतलूब हाजिर होता है। कोशिश, नाकामी देखें, एक दफा नाकामी होती है, 2 दफा आपको उस चीज का समझ आती है कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूर अमल कीजिएगा, आप 1 हफ्ते में आपका काम ना हो तो फिर कहिएगा इंशाल्लाह, आपको दूसरे हफ्ते की नौबत नहीं आएगी कि दूसरे हफ्ते ये अमल नहीं करना पड़ेगा, 1 हफ्ते में ही आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मैं आपको इतने बड़े बड़े अमल बता रही होती हूँ, तो मुझे होता है कि मैं इतना आपको अच्छे तरीके से बताऊँ कि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, और अगर आप इस्तखारा, रूहानी इलाज या कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसी परेशानी अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और दूसरा, मैं सिर्फ इतनी सी आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जब अमल करते हैं, ठीक है ना, तो अपनी इस बहन को ज़रूर याद रखा करें।
ठीक है, जज़ाक अल्लाह खैरा। अगर कोई मसला, कोई परेशानी, कोई रूहानी इलाज की ज़रूरत है, अगर आपने ये अमल भी करना है तो ज़रूर बताइएगा। मैं खुद आपके लिए इसको जो है, जो फीते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको खुद लिखकर सेंड कर दूं, या उसकी पिक्स बना के सेंड कर दूं, या फिर आपको स्क्रीन पे तो चल रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह आपने तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।